हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की जो आज न्यूज़पेपर में निकल कर आई हैं। तो चलिए हम लोग देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे उन नए बच्चों से जो नए नए जुड़े हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज की खबर को लेकर के। डीएलएड पर न्यूज है, बीएड पर न्यूज है, टीजीटी पर न्यूज है, यूपी ट्रिपल एससी पर न्यूज है, और कितने छात्रों ने पीजीटी की परीक्षा छोड़ी है उन पर भी न्यूज है। तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीएलएड के छात्रों को लेकर। कल इसकी नोटिस आई थी, मैंने वीडियो भी बनाया था, तो कल जो है उसको ऑफिशियल साइट पर डाला नहीं गया था, इसलिए थोड़ा सा संदिग्ध था। तो हमने ये बताया था कि 90% जो है आपकी नोटिस सही है, और आज जो है फाइनली हर एक न्यूज़पेपर में, चाहे दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, सब जगह पर जो प्रमोट की न्यूज है वो आ चुकी है। तो फाइनली इन बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि इन लोगों का सत्र जो है चार पाँच महीने पहले ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन इन लोगों के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ना तो पेपर हुआ टाइम से और ना ही प्रमोट किया गया। बच्चों ने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया और अब फाइनली जो है इन बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। लिखा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2019 की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद तृतीय सेमेस्टर के लिए पात्र परीक्षुओं को बिना परीक्षा के प्रोन्नत कर चतुर्थ सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते डीएलएड की परीक्षाओं में हो रहे विलंब के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को इसका शासनादेश जो है जारी कर दिया गया है, जिस शासनादेश को हम लोगों ने कल अपनी वीडियोज में पढ़ा था। तो ये आप बिल्कुल देख लीजिए, उस शासनादेश में यही लिखा था कि जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में पास हो गए हैं उन्हीं को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। किसी कारणवश अगर सेकंड सेमेस्टर में किसी बच्चे की बैक वगैरह आती है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही उस नोटिस में लिखी हुई थी। एक न्यूज और भी है जो डीएलएड से रिलेटेड है। इसमें लिखा है कि डीएलएड प्रशिक्षु ने मांगा एक और मौका। बीटीसी डीएलएड के 2015, 2017, 2018 बैच के प्रशिक्षुओं ने पास होने के लिए दो मौके देने के बाद एक और अवसर मांगा है। बुधवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को संबोधित ज्ञापन देकर सितंबर में प्रस्तावित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी है। नियमानुसार डीएलएड प्रशिक्षण के दौरान सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने पर दो मौके के बाद भी सफल न होने पर अर्हता समाप्त कर दी जाती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि डीएलएड में अगर आप एक बार किसी सेमेस्टर में आप क्या है बैक या फेल हो जाते हो और फिर दोबारा आप पेपर देते हो फिर फेल हो जाते हो, यानी कि सिर्फ दो बार आपको मौके मिलेंगे। ठीक है, और अगर दो बार में अगर फेल हो जाते हो तो आपका डीएलएड जो है ख़राब हो जाएगा। तो बच्चों ने कल जो है पीएनपी जाकर ये मांग की है कि हम लोगों को एक मौका और दिया जाए, जो बच्चे दो बार भी में भी सफल नहीं हो पाए, तो उन लोगों ने ये मांग किया है। ठीक है, 2015 बैच के बच्चे थे, 17 के थे और 18 बैच के बच्चे थे। उसके बाद हम बात करते हैं बीएड छात्रों के लिए जो है एक न्यूज आई है, गणित के साथ बीटेक को टीजीटी भर्ती में शामिल करने से इनकार। एक कोर्ट केस चल रहा था, एक याचिका जो था पड़ी थी कोर्ट में, कल इसकी सुनवाई थी और कल इस पर फैसला आया है। क्या है देख लीजिए, यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गणित विषय के साथ बीटेक व बीएड को टीजीटी अध्यापक भर्ती। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ओली बोर्ड है वो इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया है, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। ये जो आपको ई बुक है ये आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जैसे ही आपको लिंक ओपन करोगे तुरंत ही इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड और अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर हो जाना है। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको यहां सबसे नीचे चले आना है, यानी कि आप यहां पर देख सकते हो, ये देख लीजिए आप लोग 36 नंबर पर आपको यहाँ पर डाउनलोडिंग लिखा है, आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। आप बिल्कुल, तो देख सकते हो आपकी ये डाउनलोडिंग हो चुकी है बुक, आप इसको आराम से जाकर पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याचिका खारिज कर दी है, यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने प्रशांत सिंह की याचिका पर दिया है। अब इसमें आप देख सकते हो गणित के साथ बीटेक को टीजीटी भर्ती में शामिल करने से इनकार। इसमें बीएड वाले छात्र भी हैं, तो उन बीएड छात्रों के लिए बहुत बुरी खबर है, जिन लोगों का बीए या बीएससी में मैथ नहीं था। इसमें क्या है देख सकते हो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस न्यूज में है क्या। इसमें यही है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप टीजीटी का फॉर्म डालते हो तो भाई टीजीटी में कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। भाई आपकी ग्रेजुएशन में गणित जो है मैथ होना चाहिए, अगर मान लीजिए मैथ सब्जेक्ट से आप डाल रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन में मैथ होना चाहिए, और साथ ही में आप क्या करोगे उसी सब्जेक्ट से आप बीएड किए रहे हो, तभी तो आप टीजीटी का फॉर्म डाल सकते हो। तो यहां पर यह बात किया गया, कुछ बच्चे थे जो बीटेक में मैथ लिए हुए थे, बीटेक से मैथ थे और उसके बाद उन्होंने बीएड किया था। तो कल जो है सरकारी वकील ने यह कहा है कि भाई बीटेक की मैथ जो है नहीं मानी जाएगी, मैथ जो है सिर्फ बीए और बीएससी वालों की मानी जाएगी। अगर आपकी ग्रेजुएशन में बीए है या बीएससी है और उसमें अगर मैथ है तो आपकी बीएड मैथ से होगी और वो आपके टीजीटी के लिए अप्लाई होगी। तो जो बच्चे बीटेक से मैथ किए हुए थे उन लोगों को बीएड में झटका लग चुका है। ठीक है, टीजीटी भर्ती में क्या है न्यूज और पढ़ लेते हैं।
इसमें लिखा है सरकारी वकील का कहना था कि टीजीटी अध्यापक भर्ती के लिए योग्यता गणित विषय से बीए या बीएससी डिग्री निर्धारित की गई है, इसके समकक्ष डिग्री को मान्यता नहीं दी गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 गुजर चुकी है। ऐसे में याची कोई अनुतोष पाने का हकदार नहीं है। अधिवक्ता वीके चंदेल व मयंक चंदेल का कहना था कि याची की नियुक्ति सर्वोदय विद्यापीठ इंटर कॉलेज में हो चुका। तो फाइनली जो ये न्यूज है इसके बारे में हम समझा दें, ये उन बीएड छात्रों के लिए दिक्कत वाली न्यूज है जो जो है बीटेक किए हुए हैं और यानी बीए बीएससी में उनका मैथ नहीं है तो वो लोग मैथ के लिए टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये उनकी बात है। बाकी वो बच्चे तनिक सा भी नहीं घबराएंगे जिनका बीए बीएससी में मैथ है और बीएड में मतलब वो एडमिशन लिए हैं, तो जिनका बीए बीएससी में मैथ है उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूज है उन छात्रों के लिए जो बीटेक से मैथ है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगली जो न्यूज है वो भी वही चीज है जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, वो आपका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का था, अमर उजाला में भी यही न्यूज है, दैनिक जागरण में भी यही न्यूज है। तो आज लगभग हर एक न्यूज़पेपर में और हर एक संस्करण में आपको ये न्यूज मिल जाएगी। तो आप लोगों के आसपास अगर कोई न्यूज़पेपर आता है तो आप उसको पढ़ सकते हो, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए। तो और इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो बीटेक मैथ है उन लोगों को जो है मौका जो है टीजीटी में नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, बाकी देख लीजिए आप लोग। उसके बाद अगली जो न्यूज है वो पीजीटी परीक्षा को लेकर के, जैसा कि आपको पता है कि 17 अगस्त और 18 अगस्त को जो है परीक्षा हुई है, कल भी जो है इसका परीक्षा हुआ, कल जो है इसकी परीक्षा संपन्न भी हो गई। अब देखना है इसमें न्यूज क्या निकल कर आई है, तो इसमें न्यूज यही निकल के आई है कि 82% अभ्यर्थियों ने प्रवक्ता की भर्ती जो है दी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा। क्या है देखते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती के लिए बुधवार को दूसरे दिन लिखित परीक्षा आयोजित की गई। पहली पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत व संगीत वादन विषय के लिए पंजीकृत 115,484 अभ्यर्थियों में से 93,044 अभ्यर्थी जो हैं उपस्थित हुए। दूसरी पाली में अंग्रेजी, कृषि, शिक्षा शास्त्र, कला, सैन्य विज्ञान व गृह विज्ञान के लिए पंजीकृत 92,025 अभ्यर्थियों में से 76,486 उपस्थित थे। कुल पंजीकृत 20,07,509 अभ्यर्थियों में से 16,09,530 लगभग 81.69 यानी 82% बच्चे जो हैं इसमें उपस्थित रहे हैं। और ये भी बताया गया कि सुबह की मीटिंग से ज़्यादा सेकंड मीटिंग में थे, तो टोटल आप ये मान के चलिए कि 82% छात्रों ने जो है पेपर दिया है, सिर्फ 18% छात्रों ने जो है पेपर को छोड़ा है। जैसा कि लग रहा था सभी लोग कयास लगा रहे थे कि पीजीटी परीक्षा कोविड की वजह से कम बच्चे जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है, बच्चों ने पेपर दिया है, उत्साह था उन बच्चों के अंदर कि हमें पेपर देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है 4 साल 5 साल बाद ये भर्ती आई थी तो सभी बच्चे इसमें बैठे हुए, तो सभी बच्चे गए हैं पेपर देने। तो ये एक न्यूज थी पीजीटी को लेकर के। अब एक न्यूज जो है यूपी SSC को लेकर के है, यूपी SSC यानी आबकारी सिपाही पीटी का रिजल्ट जारी, इंटरव्यू के लिए 2266 का चयन। जो यूपी SSC पीटी जो है जो आबकारी सिपाही भर्ती के लिए उनका रिजल्ट जो है वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, उनका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और 2266 को जो है चयन के लिए जो है उनकी कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। ठीक है, इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSC ने आबकारी सिपाही भर्ती 2016 के शारीरिक दक्षता परीक्षा व शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए जो PST है उसका रिजल्ट जारी कर दिया है। अगले चरण इंटरव्यू के लिए 2266 का चयन किया गया है। परीक्षार्थी जल्द UP SSC.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो अपना रिजल्ट है वो जाकर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ जो है आ चुकी है। बाकी UP SSC PT की परीक्षा 24 तारीख को लगी हुई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट परीक्षा है, तो आप सभी लोग जो हैं उस परीक्षा को खूब अच्छे से पढ़कर दें। शाम को 8 बजे अपने इसी चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों की जो है तैयारी खूब धूम धड़ाके से कराई जा रही है। ठीक है, पूरे जो 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं उनको कराए जा रहे हैं, साथ ही उसकी PDF भी मिल जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।